एवरीवन, यस्टरडे वी रीड अबाउट प्रिपरेशन बाय 24/7, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ई वेपरेशन। इट इज द थर्ड टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग। सो अवर हेडिंग इज सेपरेशन बाय ई वेपरेशन। ठीक है, हम लोग ई वेपरेशन टेक्निक का यूज़ करके सेपरेशन करेंगे। ठीक है, इसमें पहले तो हम जानेंगे भाई ई वेपरेशन होता क्या है, व्हाट इज ई वेपरेशन। सो ई वेपरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। जो ई वेपरेशन प्रोसेस होता है, इसमें क्या करता है, हमारा लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई वेपरेशन कहते हैं। सो The changing of a liquid into vapors or gas is called evaporation। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, evaporation कहते हैं। ठीक है ना, और evaporation टेक्निक का यूज हम लोग ऐसे प्रोसेस में करते हैं जो क्या रहे, वाटर में डिजॉल्व रहे बट evaporate करने पे वो लेफ्ट रहे, बचा रहे। सो इवेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, मतलब ई वेपरेशन का यूज़ हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करने में करते हैं, दैट हैज डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो वाटर में क्या रहे, क्या होता है, डिसॉल्व होता है। मतलब ई वेपरेशन प्रोसेस में हमारा जो सॉलिड मटेरियल होता है वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, अब जैसे हम कॉमन सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट ले रहे हैं और कॉमन सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। सो द कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को हम लोग वाटर से डिसॉल्व करते हैं, ऐसे इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने एक चाइना डिश लेना है इस टाइप से, ये चाइना डिश हो गया है, देन आप यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आयरन गेज लगा देते हैं। ठीक है, देन अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन रख देंगे। ये क्या है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ये वाटर में कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसको हीट करने के लिए हम लोग एक बर्नर का यूज करते हैं, तो बर्नर से क्या हो जाता है, इसको हीट करेंगे। ठीक है, ये बर्नर हो गया,
अब जब हीट करेंगे तो यहाँ से वेपर निकलेगा, वेपर निकल रहा है तो इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, तो जब इवेपोरेशन प्रोसेस फिनिश हो जाएगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, तब क्या हो जाएगा, तो हम लोग बर्नर को हटा लेंगे और आपका ट्राइपॉड स्टैंड ऐसे रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर चाइना डिश है, अब चाइना डिश में ओनली क्या रहेगा, कॉमन सॉल्ट बचा रह जाएगा, ठीक है। बाकी वाटर आपका क्या हो गया है, वेपरेट हो गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इवेपरेशन कहते हैं। और हमको जो सॉल्ट मिलता है, नमक मिलता है इसी वाटर से, उसमें हम लोग इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। सी वाटर से आपको जो कॉमन सॉल्ट है वो कहाँ से मिलता है, हम लोग लार्ज स्केल में ई वेपोरेशन प्रोसेस का यूज करके फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखिएगा, इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक का यूज़ आपको तभी करना है जब कोई सॉलिड सस्पेंड वाटर में डिजॉल्व रहे, ठीक है। देन आप क्या लेना है, एक चाइना डिश लेना है, इस चाइना डिश में आपको सॉल्यूशन ऐड कर देना, पुट कर देना है, देन आप हीट करोगे, इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, एंड इवेपोरेशन आफ्टर इवेपोरेशन प्रोसेस द वाटर इज रिमूव्ड एंड द लेफ्ट मटेरियल इज ऑब्टेंड, ठीक है। वाटर आपका रिमूव हो जाएगा और द लेफ्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ये टेक्निक हो गया है इवेपोरेशन का। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन में टेक्निक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।